हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जुडिशियल सर्विस। इंडियन जुडिशियल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इतिहास के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों को अध्ययन करेंगे। इस वीडियो की एक हम प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें कि हर रोज़ आने वाले वीडियोज़ जो हैं उसमें समाहित होंगे। और कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें जो बेल आइकन का बटन है जिसे दबा देने से आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए हम लोग अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। औरंगजेब के विरुद्ध किस विद्रोह में राजनीति से अधिक कृषकों, राजनीति में अधिक, यहाँ में शब्द हुआ तो राजनीति में अधिक कृषकों को पृष्ठभूमि प्राप्त हुई या महत्वपूर्ण थी? तो राजपूत विद्रोह, मराठा विद्रोह, सिख विद्रोह या सतनामी विद्रोह। तो सतनामी विद्रोह में औरंगजेब के विरुद्ध कृषकों की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो यहाँ ये प्रश्न ये है कि अकबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई। तो पहला महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अकबर की मृत्यु हुई है वो 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई, और किस स्थान पर हुई है? तो ये आगरा के सीकरी, तो जो आगरा में जो सीकरी है, फतेहपुर सीकरी, वहीं पर हुई है ये। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के भवनों के स्तंभ किस पशु का अंकन मिलता है? तो जो विजयनगर साम्राज्य में जो भवन है उनमें किस पशु का अंकन मिलता है? तो उनमें घोड़े का अंकन मिलता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज, अलीगढ़ जो आज के समय में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय हो गया, उसकी स्थापना किसने की है? तो उसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की है। अगले प्रश्न पे आते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह की धारणा व प्रविधि का विकास कहाँ से किया था? तो उन्होंने अपने अफ्रीका प्रवास के दौरान इसका विकास किया था। सत्याग्रह का जो आंदोलन उन्होंने सबसे पहले अफ्रीका में ही चलाया था, वहाँ टॉलस्टॉय उनका जो विद्यालय था वहीं पर उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। अगले प्रश्न पे आते, गौतम बुद्ध द्वारा उपदिष्ट निर्माण का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो गौतम बुद्ध हैं उनके द्वारा जो उपदिष्ट निर्माण है उसका मतलब है जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पाना। तो जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए निर्माण की प्राप्ति होती, तो निर्माण की प्राप्ति उपदिष्ट निर्माण कहा गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, किसने कहा है तुम हमारे देश के इतिहास में हमारे स्थान को सही नहीं समझ सकते हो? तो ये जस्टिस राणा डे ने कहा है कि तुम हमारे देश के इतिहास में हमारे स्थान को सही नहीं समझ सकते हो। तो ये जस्टिस राणा डे ने कहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी जो हैं ये नया धर्म चलाना चाहते थे परंतु उनके जो उलेमा थे उन्होंने इसका विरोध किया। अगले प्रश्न पे आते हैं, अंग्रेजों व फ्रांसीसी के बीच लड़े गए युद्धों को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें टीपू सुल्तान की भी एक महत्वपूर्ण योगदान था जिसमें उनके पिता हैदर अली भी योगदान दिए थे। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नांकित में से किसे मीरा बहन कहा जाता है? तो मीरा बहन जो है ये कैथरीन हैरी हेलमैन को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, किस गवर्नर जनरल ने यह नियम बनाया कि सिविल सेवा में प्रोन्नति का आधार वरिष्ठता क्रम होगा? तो सिविल सेवा में प्रोन्नति का आधार जो आज भी चल रहा है वरिष्ठता क्रम के आधार पर ही जिसमें प्रमोशन होता है, तो ये जो है गवर्नर जनरल जो है आपके कॉर्नवालिस द्वारा ऐसा किया गया था सर्वप्रथम। अगले प्रश्न पे आते हैं, किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो पहला मुस्लिम आक्रमणकर्ता इन्हीं को माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम, और इनके द्वारा जो है 1712 में सिंध की विजय हुई है जो कि इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो जो भारत प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण है ईरानियों द्वारा किया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, शिवाजी के 8 सदस्यीय परिषद, तो शिवाजी जो थे जैसे अकबर के समय में 9 रत्न थे
तो उसी समय से शिवाजी के जो हैं इनके 8 सदस्यीय परिषद थी, में निम्नलिखित में से किस एक मंत्री के पास वित्त का भार था, प्रभार था? तो जो जो वित्त मंत्रालय जिनके पास था शिवाजी के समय में, ये अमत्य कहे जाते थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। महावीर स्वामी ने के प्रधान शिष्यों को गणधर कहा जाता था, उनकी संख्या कितनी थी? तो जो इनके प्रधान शिष्य थे महावीर स्वामी के, उनकी संख्या, जिन्हें गणधर कहा जाता था, उनकी संख्या 11 थी। अगला आते हैं। सिंधु सभ्यता थी, तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सिंधु सभ्यता जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी, और जो हमारी वैदिक काल है वो पितृ सत्तात्मक है। जो है इस सिंधु सभ्यता में जो है महिलाओं को यानी स्त्री को अधिक वरीयता दी जाती थी, सारे अधिक से अधिक कार्य वो किया करती थी, मगर जैसे ही वैदिक काल आता है उसमें पितृ सत्तात्मक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दीवान रियासत अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? तो जो दीवान रियासत अधिकारी है इसका मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य कार्य था व्यापारियों पर नियंत्रण एवं बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था एवं संचालन करना। तो जो दीवान रियासत जो अधिकारी था अलाउद्दीन खिलजी के काल में, उसका काम था व्यापारियों को नियंत्रित करना और बाजार को नियंत्रित करना। एक तरह से देखा जाए तो ये वित्त मंत्री की तरह कार्य करता था, ये कंट्रोल करता था ट्रेड पे और जो है मार्केट फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता था ये। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत ने जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना की वह 1838 ईस्वी में, उसका क्या नाम था? उसका नाम था, तो उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। ये एक राजनीतिक संगठन था, पहला राजनीतिक संगठन, ये जमींदारों द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है। 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1843 में। अगले प्रश्न पे आते हैं। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख का जो संबंध है ये भानुगुप्त से है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया? तो जो वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र है उसका प्रारंभ किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी, ये हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी। तो अर्थशास्त्री थे ये बहुत बड़े भारत के, तो इन्हीं के द्वारा जो है वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये है 14 पूर्व। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहाँ पर गढ़वाली सैनिकों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अहिंसक भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया? तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण दो चीज़ें हैं। पहली बात, यहाँ गढ़वाली सैनिक हैं, उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया, और किसके ऊपर? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें अहिंसक भीड़, मतलब भीड़ बहुत ही शांत तरीके से अपना आंदोलन कर रही थी उन्होंने। तो किस स्थान पर भीड़ ने, मतलब गढ़वाली सैनिकों ने मना किया? कराची में। तो कराची में गढ़वाली सैनिकों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो भीड़ थी, जो शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रही थी, उस पर जो है गोली चलाने से मना कर दिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? तो इस प्रश्न पे हम लोग पहले कारण देख लेते हैं। यह अफवाह कि ब्रिटिश वासियों ने बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और वह सुअर की हड्डियों का चूर्ण मिलाया, तो उस समय गाय का तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो उसमें एक नई इन्फेंट्री राइफल आई थी, उस राइफल से भी मतलब उसमें निकालने के लिए ग्रीस, गाय की ग्रीस यूज की जाती थी, गाय की चर्बी, तो ये चीज़ सही है। अगला प्रश्न पे आते हैं। आटे में भी मिलाया जाता था सुअर और उनकी हड्डियों का, बात इस तरह की अफवाह फैली थी या जो भी तथ्य हो। तो ब्रिटिश शासन ने सामान्य जन में असंतोष था, जो ब्रिटिश शासन था उसमें सामान्य जन को असंतोष था, क्योंकि उस समय लोग समुद्र द्वारा यात्रा भी नहीं करना चाहते थे और नए नए तरीके के जो है कर लगाए गए थे, जमींदार भी परेशान थे, राजा रजवाड़े भी परेशान थे। यह भविष्यवाणी कि ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा और राम राज्य आएगा, ये भी बात सही है।
तो इस प्रश्न के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो यह भविष्यवाणी की प्लासी का युद्ध, देखिए प्लासी और बक्सर के दो युद्ध हुए थे जिसमें कि ब्रिटिश शासन जो है अपना स्थापित हो सका भारत में, ब्रिटिश शासन ने अपनी नींव और जड़ें भारत में गाड़ी इन्हीं दो युद्धों से, प्लासी और बक्सर के युद्धों से। तो शताब्दी 23 जून 1857 तो को ब्रिटिश शासन का अंत होगा, ये गलत है, क्योंकि पहली बात तो प्लासी का युद्ध 1857 में हुआ ही नहीं था। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश, तो यहाँ पर जो तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की जो मूर्ति है जो त्रिमूर्ति नाम से जानी जाती है, गुफा में है, किस गुफा में है? तो ये एलिफेंटा की गुफा में है। एलिफेंटा की जो गुफा है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति नाम से मूर्ति जो जानी जाती है वो स्थापित है। अगले प्रश्न पे है, भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु निम्न में से किसे माना जाता है? तो आध्यात्मिक गुरु कबीरदास को माना जाता है। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला व्यक्ति था? तो जो वास्को डिगामा है ये पुर्तगाल का रहने वाला व्यक्ति था और ये भारत में कालीकट पे आया था, इसी को माना जाता है कि इसी ने भारत की खोज की, समुद्री मार्ग की खोज की, भारत तो पहले से ही उपलब्ध था। मनसबदारी प्रथा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले हम लोग ये देखते हैं कौन से कथन सही है। मनसब जो शब्द है ये अरबी शब्द है, पहला तथ्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ पद होता है यानी पोजीशन, पद। अगला है, मनसब किसी को भी दिया जा सकता है चाहे वह व्यक्ति सैनिक पद पर हो या असैनिक पद पर, यानी जो मनसब है वो किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता था और ये अरबी शब्द है। सबसे बड़े मनसब राजकुमारों को ही दिए जाते थे। तो जो मनसब थे, जैसे अकबर ने जो है बीरबल को मनसब दिया था 10,000 का, इसी तरह से अपने राजकुमारों को इन सब को दिया। तो ये जो मनसब है ये एक तरह का पद होता है, कर को वसूलने के लिए कुछ गांव और एरिया जोड़ दिया जाता है जिसमें कि लोग उससे जो भी आय होती है उन्हीं के तहत जाती है जो मनसबदार होते हैं। तो इसमें से कौन सा चीज़ नहीं है? तो मनसबदारी और ज़मींदारी प्रथा से मिलती जुलती है, तो ये नहीं है, मनसबदारी ज़मींदारी प्रथा से मिलती जुलती नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृग भांग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? तो ये पटना के मध्यकालीन पुरातत्व स्थल है, वहाँ से मृग भांग के छल्लों की माला प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय में पारित हुआ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है ये लॉर्ड डलहौजी के समय में पारित हुआ। दूसरा पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तीन जगह यहाँ पर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो पहले जो विश्वविद्यालय है वो कलकत्ता में स्थापित किया गया, फिर मुंबई मद्रास में स्थापना की गई, ये भी सही है। अगला आते हैं, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में बाल मजदूरों की दशा में सुधार के लिए फैक्ट्री अधिनियम लाया गया, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं। जैसे प्रथम तथ्य था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में लेके आया गया। दूसरा जो है लॉर्ड कैनिन साहब है यहाँ पे, इन्होंने लॉर्ड कैनिन के कार्यकाल में एजुकेशन पे महत्व दिया गया जिसमें कि भारत में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की। चौथा जो है लॉर्ड रिपन है, तीसरा यहाँ पे जो है लॉर्ड रिपन जी हैं जिनके द्वारा बाल मजदूरी की दशा में सुधार किया गया, जिससे कि जिसके लिए एक नया अधिनियम लेके आया गया फैक्ट्री अधिनियम। तो ये इसमें सभी ऑप्शंस सही हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सा तुर्क शासक राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली ले गया? तो ये इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जो यानी इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, ये अपनी राजधानी जो है लाहौर से स्थानांतरित करके इसको दिल्ली ले गया। और देखा जाए तो गुलाम वंश का ये सही संस्थापक इसी को माना जाता है, इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये मोहम्मद गैरवी के गुलाम थे, मगर इसने अपने आप को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं,
महान सम्राट अकबर है कि माता का क्या नाम था? क्योंकि जब सम्राट का नाम आता है तो अशोक का नाम जल्दी आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे अशोक बोल दिया। परंतु यहाँ पर महान सम्राट अकबर की माता का क्या नाम था? तो अकबर की जो माता थी उनका नाम था हमीदा बानू बेगम। ये किसकी पत्नी थी? ये हुमायूं की पत्नी थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम पहले सही कथन देख लेते हैं। अंतिम जैन तीर्थंकर गौतम बुद्ध के समकालीन थे, यानी समसामयिक यानी समकालीन थे। अंतिम जो जैन तीर्थंकर थे यानी महावीर जैन, इन ये जो है गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अंतिम जैन तीर्थंकर का जो जन्म ग्रह था, ठीक है, तो ये राजगृह में हुआ था उनका जन्म। ऑप्शन सी हियर, सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो यानी यहाँ पर जो महावीर जैन का जो जन्म हुआ था वो राजगृह में हुआ था, और सिद्धार्थ का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। अब गलत कौन सा है? प्राचीन नगर श्रीवस्ती आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो ये पुरापाषाण संस्कृति का है। हाँ, एक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ये चीज है कि जो प्राचीन श्रवस्ती है वो आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो ये कहाँ स्थित है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार में सैयद अहमद खां की सर्वाधिक दिलचस्पी थी? तो निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार में सर सैयद अहमद खां की सार्वजनिक दिलचस्पी थी, सर्वाधिक दिलचस्पी उनकी किसी इंटरेस्ट उनका किस चीज़ में था? तो ये मुसलमानों की आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो उस समय विद्यालय था उसकी स्थापना की थी। तो ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में अंग्रेज आए थे व्यापारी बनकर तथा बन गए इस देश के शासक, इसके लिए दोषी थे, तो इसके लिए कौन दोषी था? तत्कालीन शासकों की अयोग्यता, यस, उस समय मुगल साम्राज्य भी अपने पतन की ओर उन्मुख हो चुका था और मराठा आपस में लड़ते रहते थे, और इधर दक्षिण भारत में भी जो है टीपू सुल्तान, हैदर अली और अन्य शक्तियों में आपस में मराठाओं में बीच में लड़ाई होती रहती थी, जिसके कारण इनमें एकता नहीं थी। ये सही है, आपसी फूट इन लोगों में थी, और अंग्रेज़ों की कूटनीति, अंग्रेज कूटनीति बहुत अच्छी थी, जिसके कारण वो लोगों ने भारत में शासन अपना स्थापित कर लिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया? तो ये शाहजहाँ ने करवाया था, जिसको नादिर शाह यहाँ से ले गया था, साथ में कोहिनूर हीरा भी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अंग्रेज़ यह अच्छी तरह जान गए थे कि भारत को अधिक दिनों तक पराधीन नहीं रखा जा सकता, अतएव उन्होंने प्रांतों में शासन सत्ता भारतीय नेताओं को सौंपने के लिए कौन सा अधिनियम तैयार किया? तो इन्होंने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इस्टेब्लिश किया। इसी एक्ट के हमारे संविधान में अधिकतर जो प्रावधान हैं वो इसी एक्ट से लिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1935 कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। एम सिंगार वेलू ने किस पत्र का प्रकाशन किया? तो एम सिंगार वेलू ने लेबर किसान गजट का प्रकाशन किया। अगले प्रश्न पे आते हैं। ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता का उल्लेख नहीं है? तो विष्णु जी का है, मारुत यानी वायु जी का है, और सोम का है, परंतु ब्रह्मा जी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं दिया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प को चुनिए। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, पतंजलि ने पाणिनि के व्याकरण पर महाभाष्य लिखी, नहीं ये गलत है, पतंजलि ने तो यहाँ पर व्याकरण लिखी ही नहीं थी, पतंजलि योग के गुरु थे। तो ऑप्शन बी यर, पंचतंत्र गुप्त काल का प्रारंभिक कथा ग्रंथ है, ये भी नहीं है।
पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है, जिसमें कहानियां हैं भूत प्रेत उन सबसे संबंधित। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित हितोपदेश भारतीय कहानियों का दूसरा प्रमुख संग्रह है। पहला प्रमुख संग्रह कौन सा है? पंचतंत्र। और दूसरा प्रमुख संग्रह विष्णु शर्मा द्वारा लिखित कौन सा है जो भारतीय कहानी संबंधित है? हितोपदेश। तो हितोपदेश तो यहाँ पर सही विकल्प है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प को चुनिए। अंतिम 11 मंत्र बलिखिल्ल के नाम से जाने जाते हैं, जो बलिखिल्ल के नाम से जाने जाते हैं बालिखिल्ल, जो कि ऋग्वेद का सबसे पुराना भाग है। नहीं, ये सही विकल्प नहीं है। मंडल को आगे अष्टक व उपनिषद में विभाजित किया जाता है, यह भी नहीं सही है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, यस ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं, तथा ऋग्वेद में तीसरे मंडल में रचनाकार, तीसरे मंडल के रचनाकार मनु हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक कीजिए इसको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।